हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड बॉन्डी बार्स। बहुत सिंपल है ये, 3 इंग्रेडिएंट्स में बस बन जाएगा एंड 10-15 मिनट्स में आपको ये रेडी मिलेगा। इसे आप बना के दिवाली गिफ्ट्स करके भी दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये। I feel this is 10 times better than chocolates which we purchase and those are very costly and ये half rate में बन जाता है और ज़्यादा tasty and without preservatives रहता है। So इसे आप घर पर ज़रूर try कीजिए, just 10-15 minutes का काम है। Until then, please subscribe my channel, hit the bell icon, you'll get all my latest recipes. वेलकम टू साइलीज किचनेट। तो सबसे पहले इसका इनसाइड फीलिंग हम बना के लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप कंडेंस मिल्क एंड 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो दोनों चीज़ें आप होममेड भी बना सकते हो। अगर आपको होममेड कंडेंस मिल्क बनाना हो तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है वॉलनट फज का, उसमें आप चेक कर सकते हो। और डेसिकेटेड कोकोनट भी घर पे बन सकता है। मैंने यहाँ पे दोनों भी रेडीमेड यूज़ किए हैं तो फटाफट बन जाता है। 5-10 मिनट्स में एक स्वीट हमारे पास रेडी बनता है। कंडेंस मिल्क में काफ़ी ज़्यादा शुगर रहता है तो मैं इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करती हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे पाउडर्ड शुगर आप डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट ऐड करते जा रही हूँ मैं और इसे मिक्स करते जा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड ये मिक्स होने के बाद एक बड़े बार जैसा फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम इसे सेट करने लेंगे। मैंने यहाँ पे बटर पेपर यूज़ किया है, आप चाहो तो प्लास्टिक क्लिंग जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसे एकदम हल्के हाथ से प्रेस करके एक रेक्टेंगुलर शेप बना के हम इसे फ्रीज में 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट करके लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट है। अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट हो तो आप डायरेक्ट मिल्क चॉकलेट यूज़ करना। इसे मैं चॉप करके ले रही हूँ तो मेल्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। चॉकलेट्स आप कोई भी कंपनी के ले सकते हो, सबसे बेस्ट अमूल कंपनी के आते हैं, ऑसम रहते वो। अब हम इसे मेल्ट करके लेते हैं। तो एक बड़ी कढ़ाई में मैं पानी नीचे डाल के ले रही हूँ एंड एक स्टैंड लगा देते हैं। उस पर हम एक बर्तन रख देंगे एंड दोनों चॉकलेट मिक्स करके डाल देंगे। इसे हम डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हो। जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए एक बार रखना, फिर एक हल्का सा मिक्स दे के वापस 30 सेकेंड्स के लिए। बस इतना ध्यान देना है कि चॉकलेट जल ना जाए। फर्स्ट 30 सेकेंड्स में ही मेल्ट हो जाता है तो आप एक ही बारी माइक्रोवेव में लगा देना, बट मुझे डबल बॉयलर मेथड पसंद आता है तो मैं ये प्रेफर करती हूँ। सो कोकोनट एंड कंडेंस मिल्क का बेस हमारा सेट हो चुका है। इसे हम कट करके लेंगे कुछ बार्स में एंड हाथों से उसको एक अच्छा सा शेप भी दे देंगे। आपके पास कुकी कटर्स है तो आप उससे अलग अलग शेप्स भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं अभी बार्स की एक शेप बना रही हूँ एंड एक स्टार शेप भी बना रही हूँ। हम सपोर्ट के लिए वुडन स्टीवर्स यूज़ करेंगे एंड जो भी चॉकलेट हमने बनाया है स्पून से सभी साइड से इसे हम अच्छे से कवर करवा के लेंगे। अब चाहो तो सीधा डिप भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे चॉकलेट का क्वांटिटी बहुत कम लिया है एंड जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हम हटा देंगे, उसका डिप होने तक का वेट करेंगे। ऐसे ही मैं सारे बार्स चॉकलेट कोटेड करके ले रही हूँ। ये सारे हो जाने के बाद हम चॉकलेट सेट करने के लिए इसे फ्रीज में रख देंगे फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पे इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे गिफ्ट रैप भी कर सकते हो।
सारे बार्स एक साथ रख देने के बाद मैं इस पर डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस। अब चाहो तो मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हो एंड वाइट मेल्टेड चॉकलेट। ये बन के हमारे होममेड बॉन्डी बार्स रेडी। इजी है ना, फटाफट बन जाता है, कोई थमझम की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। सो प्लीज डू ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखो, ब्यूटिफुल ब्लैक आउटसाइड एंड डिलीशियस वाइट इनसाइड। डू ट्राई। सी यू, बाय बाय।